आज की डेट में एक नया पैन कार्ड आप दो तरीकों से बनवा सकते हैं। एक तो इनकम टैक्स की वेबसाइट से बिल्कुल फ्री में 2 मिनट में आपका पैन कार्ड बन जाएगा, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि इस पैन कार्ड पर आपको फादर नेम और सिग्नेचर नहीं मिलेंगे, और साथ ही इस पैन कार्ड पर फोटो भी आपको आधार कार्ड वाला ही मिलेगा। और दूसरा तरीका जिससे आप पैन कार्ड बनवा सकते हैं वो है NSDL पोर्टल। NSDL पोर्टल से आप अपनी पसंद के फोटो और सिग्नेचर के साथ एक नया पैन कार्ड बनवा सकते हैं। इसमें पैन कार्ड बनने में 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, और साथ ही आपको 106 रुपीज की फीस भी पे करनी होगी। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको फोटो और सिग्नेचर के साथ एक नया पैन कार्ड बनवाने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। फोटो और सिग्नेचर के साथ एक नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको NSDL पोर्टल पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आप एप्लीकेशन टाइप में चूज करेंगे न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A। कैटेगरी में आप चूज करेंगे इंडिविजुअल। इसके बाद नीचे आप टाइटल चूज कर लेंगे श्री श्रीमती कुमारी। इस कॉलम में आप अपना लास्ट नेम एंटर करेंगे, फर्स्ट नेम यहाँ पर डालेंगे, और अगर कोई मिडल नेम है तो वो यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी होगी, तो आप कैलेंडर से चूज कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ इस तरह से। इसमें आप एक ईमेल आईडी एंटर करेंगे, एक मोबाइल नंबर डालेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, इसके बाद कैप्चा फिल करेंगे। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है वैसा ही आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद सबमिट, एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा, साथ ही आपकी ईमेल आईडी पर भी सेंड कर दिया जाएगा। आप कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। अपनी पैन एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स को आप कैसे सबमिट करना चाहते हैं, इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन है सबमिट डिजिटली थ्रू EKYC एंड E-Sign पेपरलेस। अगर आप ये ऑप्शन चूज करेंगे तो आधार कार्ड पर जो फोटो है वही आपके पैन कार्ड पर आएगा, और साथ ही आपके पैन कार्ड पर सिग्नेचर भी नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन है सबमिट स्कैंड इमेजेस थ्रू E-Sign। ये वाला ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना होगा। इस ऑप्शन में आपको कहीं पर कोई डॉक्यूमेंट सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको फिजिकल पैन कार्ड चाहिए। हमें डिजिटल पैन कार्ड के साथ ही फिजिकल पैन कार्ड भी चाहिए, तो इसको यस करेंगे। इसके लिए आपको कितनी फीस पे करनी होगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आप अपने आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स एंटर करेंगे, तो आपका जो आधार कार्ड नंबर है उसके लास्ट 4 नंबर आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। नीचे यहाँ पर आपको अपना नेम डाल देना है, जैसा आपके आधार कार्ड पर लिखा हुआ है वैसा ही आपको टाइप कर देना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। क्या आपको किसी और नेम से जाना जाता है? अगर हाँ तो इसको आप यस करेंगे, और अगर आपका कोई दूसरा नेम नहीं है तो इसको आप नो रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर फादर नेम एंटर करेंगे, तो इसमें आप फादर का लास्ट नेम एंटर करेंगे, फादर का फर्स्ट नेम यहाँ पर डालेंगे, और अगर कोई मिडल नेम है तो यहाँ पर एंटर करेंगे। ऐसे ही आपको मदर का लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है, फर्स्ट नेम इसमें एंटर करना है, कोई मिडल नेम है तो यहाँ पर एंटर करेंगे। अपने पैन कार्ड पर आपको किसका नेम चाहिए, फादर का या मदर का, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। पैन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पर आपके साथ सिर्फ आपके फादर या मदर का नेम ही आएगा, उस पर आप हस्बैंड का नेम नहीं लगा सकती। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे फादर का या मदर का किसका नेम आपको पैन कार्ड पर प्रिंटेड चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट। इसके बाद आपको सोर्स ऑफ इनकम चूज करना होगा, आपकी इनकम कैसे होती है, और अगर आपकी कोई इनकम नहीं है तो आप नो इनकम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। कम्युनिकेशन के लिए आप कौन सा एड्रेस रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर टिक करेंगे, रेजिडेंस या ऑफिस। इसमें हम यहाँ पर रेजिडेंस सिलेक्ट कर लेंगे। अपना फुल एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फर्स्ट कॉलम में आपको फ्लैट, रूम, डोर, ब्लॉक नंबर या हाउस नंबर एंटर करना है। अगर कोई नंबर नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको बिल्डिंग या गांव का नेम यहां पर एंटर करना है। रोड, स्ट्रीट, लेन नंबर या पोस्ट ऑफिस का नेम यहां पर एंटर करेंगे। अपना एरिया, लोकेलिटी आप यहां पर एंटर करेंगे। इसमें आप अपने टाउन, सिटी या डिस्ट्रिक्ट का नेम एंटर करेंगे। कंट्री आप यहां से सिलेक्ट कर लेंगे, इंडिया। इसके बाद आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। इसमें आप अपना पिन कोड एंटर कर देंगे। इसके बाद अगर आप चाहें तो अपना ऑफिस एड्रेस भी यहां पर फिल कर सकते हैं। इसमें आप अपने ऑफिस का नेम डालेंगे और एड्रेस यहां पर फिल कर देंगे। इसके बाद आप अपना कंट्री कोड यहाँ पर चूज कर लेंगे, जैसे कि इंडिया का है 91। जो भी आप पैन कार्ड के साथ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे और ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे। नीचे आप इसको नो रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट। इसके बाद आपका एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड और AO नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। अगर ये ऑटोमेटिकली फिल नहीं होता है तो आप यहाँ पर इसको फिल करेंगे। इसके लिए आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इंडियन सिटीजन। स्टेट और सिटी
सिटी सिलेक्ट करके फेच पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके सामने एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर आ जाएगा। जस्ट आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट। इसके बाद आप डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि आईडी प्रूफ के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, इसमें हम आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे। एड्रेस प्रूफ के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, इसमें भी हम आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, इसमें भी हम आधार कार्ड ही सिलेक्ट करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर डिक्लेरेशन देंगे तो इसमें आप सिलेक्ट कर लेंगे हिमसेल्फ हरसेल्फ। नीचे आप प्लेस का नेम डाल देंगे तो इसमें आप अपने गांव, कस्बे या शहर का नेम एंटर करेंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहले तो आपको अपना फोटो यहाँ पर अपलोड करना होगा। जो भी फोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे यही आपके पैन कार्ड पर प्रिंट होकर आएगा। दूसरे यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा, ये सिग्नेचर भी आपके पैन कार्ड पर प्रिंट होकर आएंगे। और तीसरे यहाँ पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। किस डॉक्यूमेंट की क्या डायमेंशन और क्या साइज होना चाहिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि फोटो आपका 200 DPI में होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट चलेगा। डायमेंशन 3.5x2.5 होनी चाहिए और फोटो का साइज 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप फोटोशॉप से या किसी ऑनलाइन वेबसाइट या एप्लीकेशन से ये फोटो बना सकते हैं। जैसे कि ये फोटो बनाने के लिए मैं एक ऑनलाइन वेबसाइट का यूज करूंगा, photopea.com। इसमें न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, इसमें फोटो का जो साइज बताया गया है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये साइज CMS में है तो यहाँ पर हम CMS सिलेक्ट कर लेंगे पिक्सल की जगह पर। CMS यानी सेंटीमीटर्स। विड्थ और हाइट क्या रखनी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 3.5 की हाइट रहेगी और 2.5 की विड्थ रहेगी। तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ 2.5 और हाइट यहाँ पर एंटर कर देता हूँ 3.5। DPI में यहाँ पर हम देख लेते हैं, इन्होंने यहाँ पर बोला है 200 DPI, तो यहाँ पर हम 200 DPI एंटर करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आप ये डिटेल्स फिल करेंगे और क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए साइज मिल चुका है। इसको हम जूम कर लेंगे और आपका जो भी फोटो है उसको आप यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे। जैसे कि मेरे पास एक फोटो है जिनका मैं पैन कार्ड बना रहा हूँ, उनका ये फोटो है, तो इसको यहाँ पर इस फ्रेम में फिट कर लेंगे। इसको इस फ्रेम में फिट करने के लिए आप एडिट में जाएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फ्री ट्रांसफॉर्म, इस पर आप क्लिक करेंगे। फ्री ट्रांसफॉर्म यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है तो इस तरह से यहाँ पर आप अपने फोटो को इसमें फिट कर देंगे। इसके बाद इसको क्रॉप करेंगे तो आप यहाँ पर सी प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे, आपका फोटो क्रॉप हो जाएगा। इसके बाद आप अपने इस फोटो को एक्सपोर्ट कर लेंगे तो आप फाइल में जाएंगे, इसमें आपको एक्सपोर्ट एज में जाना है। JPG फॉर्मेट में इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर JPG सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर्मेट आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, इसमें आपको काफी सारे फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, हम JPG रखेंगे। इस फोटो का साइज कितना होने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर साइज 20 KB से कम है तो आप इसकी क्वालिटी को और भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप देखिए 15 KB साइज हो गया है तो हम और क्वालिटी बढ़ा लेते हैं। अभी यहाँ पर 19.6 KB हो गया है तो मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, 16.2 KB यहाँ पर हो गया है। तो फोटो का साइज 20 KB के अंदर रखने के लिए आप यहाँ से इसकी क्वालिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जब यहाँ पर साइज 20 से नीचे रहे उसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे, आपका फोटो सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अपलोड करेंगे, अपलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपका फोटो रखा हुआ है उसको आप सिलेक्ट करके यहाँ अपलोड पर क्लिक करेंगे। इस तरह से सक्सेसफुली आपका फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद ऐसे ही हम यहाँ पर सिग्नेचर रेडी करेंगे। सिग्नेचर रेडी करने के लिए हम फिर से photopea.com पर आएंगे, न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पर लेंगे। अब हम देखेंगे कि सिग्नेचर का क्या साइज यहाँ पर मांगा गया है। सिग्नेचर की डायमेंशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी विड्थ रहेगी 4.5 और हाइट रहेगी 2। इसका मैक्सिमम फाइल साइज 50 KB तक चल जाएगा। DPI इसके लिए हमें 200 रखनी होगी। तो ये डिटेल्स हम यहाँ पर फिल कर देंगे, जैसे कि विड्थ रहेगी 4.5, हाइट रहेगी 2 और DPI 200, इसके बाद क्रिएट। इस तरह से आपको बॉक्स मिल जाएगा, इसको हम जूम कर लेंगे तो जूम करने के लिए यहाँ जूम आइकन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें हमें अपने सिग्नेचर पेस्ट करने होंगे तो आप एक व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर करेंगे, उसका एक फोटो क्लिक करके वो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। लेयर्स में आपको ध्यान रखना है कि आपके सिग्नेचर बैकग्राउंड के ऊपर होने चाहिए, तभी वो यहाँ पर शो होंगे। तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं, सिग्नेचर यहाँ पर आ चुके हैं। अब इनको इस बॉक्स में फिट करने के लिए हम पहले सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद एडिट में जाएंगे और यहाँ पर फ्री ट्रांसफॉर्म को क्लिक करेंगे और इस तरह से यहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हैं। इसको सेट करने के लिए आप जाएंगे फाइल में और यहाँ एक्सपोर्ट में जाएंगे और JPG पर क्लिक करेंगे। साइज आप नीचे देख सकते हैं 7.7 KB है, तो मैं इसकी यहाँ पर फुल क्वालिटी कर देता हूँ। फुल क्वालिटी के बाद यहाँ पर 33 KB साइज हो चुका है, 50 KB तक आप रख सकते हैं। तो ये सही है, सेव पर क्लिक करेंगे। सिग्नेचर रेडी है, इसके बाद यहाँ पर अपलोड
अपलोड करेंगे तो अपलोड करने के लिए यहाँ इस आइकन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से सिग्नेचर आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। अपलोड पर क्लिक करके इनको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अब देखिए सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो जैसे कि आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है तो आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं और मैक्सिमम फाइल साइज आप 300 KB तक रख सकते हैं। ये भी आप इसी वेबसाइट से बना सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको नीचे अलग अलग साइजेस मिल जाएंगे। आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे और इसमें आप A4 साइज सिलेक्ट कर लेंगे। A4 साइज सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने A4 साइज आ जाएगा। अपने आधार कार्ड के फ्रंट साइड और बैक साइड का आप फोटो क्लिक करेंगे और उस फोटो को आप यहां पर पेस्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आधार कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड फोटो क्लिक करके यहां पर पेस्ट कर दिया है। इसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट एज में हम यहां पर PDF सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास पहले से आधार कार्ड की PDF है तो आपको उसका फोटो क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे यहां पर आएंगे और उसका साइज कम कर लेंगे। तो यहां पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूं आधार PDF। इस तरह से आपकी आधार PDF यहां पर अपलोड हो जाएगी। कंप्रेस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं इसने 499 KB को कंप्रेस करके सिर्फ 82 KB कर दिया है। तो आपको 300 KB से कम ही रखना है। डाउनलोड पर क्लिक करके इस कंप्रेस PDF को हम डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद यहां पर हम इसको अपलोड करेंगे तो पहले हम डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। जो PDF आपने कंप्रेस की है उसको आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपलोड। अब आप देख सकते हैं हमारे तीनों डॉक्यूमेंट्स, फोटो, सिग्नेचर और PDF यहां पर अपलोड हो चुकी है। पैन कार्ड बनाने के लिए सबसे मुश्किल काम यही होता है क्योंकि साइज अगर सही ना हो तो वो यहां पर अपलोड नहीं होगा। तो photopia.com पर जाकर आप उसका साइज और उसकी डायमेंशन बिल्कुल सही कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर अपलोड कर देंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। आपको डिटेल्स कंफर्म करनी होगी। इसमें आप अपने आधार कार्ड के शुरू के 8 नंबर एंटर करेंगे। 4 नंबर हम पहले ही एंटर कर चुके हैं तो यहां पर सिर्फ 8 नंबर स्टार्टिंग वाले एंटर करने हैं। इसके बाद अपनी एप्लीकेशन को चेक करेंगे। जितनी भी आपने डिटेल्स फिल की है वो सब आपको इसी पेज पर देखने को मिल जाएगी। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप एडिट पर क्लिक करके उसको सही कर सकते हैं और अगर सभी डिटेल्स बिल्कुल सही है तो आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपको पैन कार्ड के लिए पेमेंट करना होगा तो इसमें आप सिलेक्ट करेंगे ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। कितना पेमेंट आपको करना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 106 रुपीज 90 पैसा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट, पेमेंट कंफर्मेशन पेज आ जाएगा, पे कंफर्म। इसके बाद आपको पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहाँ से आप पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड, वॉलेट, UPI किसी भी तरह से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको UPI के थ्रू करना है तो UPI सिलेक्ट करेंगे। UPI में या तो आप यहाँ पर UPI ID एंटर करेंगे और मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, आपके UPI एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। उस पर क्लिक करके आप अपना UPI पिन डालकर पेमेंट कंप्लीट करेंगे या फिर आप यहाँ शो कोड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने QR कोड आ जाएगा। इसको आप स्कैन करके किसी भी UPI एप्लीकेशन से पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं इस QR कोड को स्कैन करके यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट कर देता हूँ। पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इसको आप रिफ्रेश नहीं करेंगे वरना आपका पेमेंट फेल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना होगा, आपके सामने पेमेंट सक्सेसफुल की स्क्रीन आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल होने की यहाँ पर स्क्रीन आ चुकी है। इसमें बैंक रेफरेंस नंबर भी देख सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपको अपने आधार कार्ड के थ्रू यहाँ पर ऑथेंटिकेट करना होगा तो आप यहाँ पर कंसेंट देंगे और नीचे आप ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ OTP जनरेशन पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद सबमिट, आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद आपको ई साइन करना होगा तो आप कंटिन्यू विद ई साइन पर क्लिक करेंगे। इसमें आप कंसेंट देंगे और यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद वेरीफाई OTP, OTP वेरीफाई हो जाएगा और साथ ही आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आपका डिजिटल और फिजिकल दोनों पैन कार्ड रेडी हो जाएगा। डिजिटल पैन कार्ड 24 से 48 आवर्स के अंदर अंदर आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा और फिजिकल पैन कार्ड बाई पोस्ट आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। अपने रिकॉर्ड के लिए यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपकी एप्लीकेशन PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी। ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है और इसका पासवर्ड होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो ये PDF ओपन हो जाएगा, इसमें आप सभी डिटेल्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ईमेल आईडी पर आपको आपका डिजिटल पैन कार्ड इस तरह से मिल जाएगा। पैन कार्ड पर आपने जो भी फोटो और सिग्नेचर लगवाया है वो भी आप यहाँ डिजिटल पैन
कार्ड में देख सकते हैं। डिजिटल पैन कार्ड भी फिजिकल पैन कार्ड की तरह से फुल वैलिड है, इसको आप जहां चाहे यूज कर सकते हैं। सो इस तरह से अपनी पसंद के फोटो और सिग्नेचर के साथ 2024 में आप एक नया पैन कार्ड बनवा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।